हमारे मुख्य अतिथि महोदय सभी उपस्थित हैं अपना कीमती समय लेकर। मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ चार पंक्तियों से भाई अकबर ताज भाई को बुलाना चाहता हूँ। तब तक उनके सहयोगी यहाँ माइक पर ले आए, क्योंकि वो अंतःचक्षु हैं। उनकी आंखें भले नहीं हैं, लेकिन वो मन की आंखों से सब कुछ देखते हैं। सिर्फ चार पंक्तियां कहते हैं कि देश के रंग में मन ये रंगा रहे, और मैली कहीं भी न गंगा रहे। कह रही फांसियों पर टंगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। जोरदार तालियां। हमारे बीच में मध्य प्रदेश की धरती से आए भाई अकबर ताज बहुत अच्छा छंद लिखते हैं, बहुत अच्छा मुक्तक लिखते हैं। वाह क्या बात है, टीवी के तमाम चैनलों में इन्हें लोगों ने देखा है, सुना है, और इनके मुक्तक इतने कारगर हैं कि उसको संजोने के मन करता है, उसको पूजने का मन करता है। अगर ऐसी पंक्तियां अकबर ताज आपको पढ़ते हुए नजर आए तो इनको तालियों से पूरा हौसला दीजिएगा, क्योंकि आंखें नहीं हैं, आप इनकी आंखें बन जाइए और ताली बजा करके भाई अकबर ताज को सुना जाए। भाई अकबर ताज, खंडवा, मध्य प्रदेश। क्या बात है दोस्तों, अभी सर ने मेरा परिचय दिया है कि मैं आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख नहीं सकता हूं, आपकी जो तालियां हैं, आपकी जो दाद है, वो ही मेरी आंखों में रोशनी का काम करेंगी। एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के इजाजत दें, अनुमति दें, स्वागत है, ताकि मैं अपनी बात शुरू कर सकूं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल हो गया अकबर भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है, प्रणाम करता हूं। शानदार, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा इतनी आवाजें जो शोर, ये आवाज नहीं है, बारिश हो रही है। ये बारिश भी नहीं, ये ताली बज रही है। आपने कहा तो उसने सुन लिया, ऊपर वाले ने भी ताली बजा दी। बहुत जबरदस्त ताली है, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत बढ़िया है, पब्लिक नहीं बजाएगी, इसी में आप अपने मुख तक पढ़े। स्वागत है। मैं बहुत जबरदस्त बारिश है, वाह भाई मजा आ गया। हमारे अजय सिंह साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आज के ये प्रोग्राम में मुझे याद फरमाया, और बिहारी लाल अंबर साहब ने मेरा नाम दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इन सर लोगों का, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़े देश के कवि हैं बिहारी लाल अंबर साहब। मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में भी एक मरतबा ताली बजा दें। सर लोग बैठे हुए हैं, अनुमति चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बस थोड़ी मोहब्बतें आपकी मुझे मिल जाए। मैं मेरी वही पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं जो सर लोगों का आदेश है। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। आयुक्त सर साहब बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, मंच की इजाजत चाहते हुए पढ़ना चाहता हूं कि मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। सोच देखना सर, नेत्रहीन कवि की, एक अंधे कवि की सोच देखना कि मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। क्या बात है, नमन करता हूं। आखिरी पंक्ति पे आपकी मोहब्बत चाहूंगा। सिया सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। मुझे मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना दे। जिंदाबाद, जोरदार तालियां, शानदार पढ़ा, शानदार, बहुत अच्छा। नमन करता हूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। मेरी संतान को भग
अकबर मगर शर्वण बना देना। और चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हमारा देश कौमी एकता का देश, भाईचारे का देश है। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आप देखें कि सभी सभी रहमान वाले हैं, सभी भगवान वाले हैं। सुन के बताना दोस्तों, अजय सिंह साहब की यह महफिल है, यह प्रोग्राम है। मंच पे हिंदू कवि, मुसलमान कवि, मेरे हिंदू भाई तमाम लोग बैठे हुए हैं। देखें कि सभी सभी रहमान वाले हैं, सभी भगवान वाले हैं, और हमें गीता भी है प्यारी, और हम कुरान वाले हैं। हमारे हमारे दुश्मनों सुन लो जरा, औकात में रहना ना, ना टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर। अभी यहाँ से राम जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, हमारे सर ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि राम जी कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे। राम भगवान पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे। और पंक्तियां देना चाहता हूँ, चार पंक्तियां यूं कहना चाहता हूँ कि राम राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। तरन्नुम से पढ़ा यार। जी जी जी, ये चार पंक्तियों के बाद सुने कि राम राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है, और तब 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 होते हैं राम के दर्शन पहले ऐ लोगों, पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। फिर पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें कि बना बनारस की, बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वजू 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 करते हैं पाचो वक्त हम गंगा के पानी से, अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले। शानदार शानदार, बहुत अच्छा अकबर भाई। नमन कर, शानदार पढ़ा यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। नमन करता हूं, एक नमन करता हूं सर, विद्यालय परिवार की तरफ से भाई गौरव चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही। एक बार बोलिए जय जय श्री राम, श्री राम। बहुत अच्छे, ये हमारे गौरव चौहान साहब। अजय त्रिपाठी भैया से निवेदन है, विद्यालय की तरफ से एक माला अकबर ताज के गले में सम्मान के लिए ये माला आप। क्या बात है, बहुत देर से खड़े हैं लेकर भाई अकबर भाई। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फरमाइश आपके कान में गई है, जरा देश देशभक्ति की पंक्तियां कही गई है। स्वागत। हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, और हम हिंदुस्तानी हैं दोस्तों, हमें हिंदुस्तान से कैसी मोहब्बत है बताना चाहता हूँ। और अगर अपने वतन से, अपने हिंदुस्तान से अगर किसी भी शख्स को मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता दोस्तों। बताना चाहता हूँ, देखें स्वागत है भैया कि इसे इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। गौरव साहब सुनिएगा पंक्तियां, इसे मैं दिल इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता। क्या कहा भाई पाक पर, भारत माता की, भारत माता की। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ।
शानदार भाई, शानदार पढ़ा भाई साहब। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूरा मंच सुन रहा है अकबर भाई, के अकबर ताज आप जब मंच पे आते हैं आपको दिखाई नहीं देता, आप इतने देश की देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आप तो अंधे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक अंधा कवि, एक नेत्रहीन कवि क्या कर सकता है अपने वतन के लिए। सुन के बताना साहब, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि बदन बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। कहा बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। भाई शानदार शानदार पढ़ा भाई, गजब पढ़ रहे हैं, गजब पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अकबर भाई, वो वाला फरमाइश कर दीजिए, फरमाइश पूरी कर दीजिए। जी 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 सर, जी सर, एक हुक्म हुआ है मेरे सभी साथियों का, आप एक मर्तबा ताली बजा के मुझे दें, बताएं तो मैं वो बेटी वाली पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। बहुत शानदार है, स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है सर, सुनिएगा मेरी बेटी वाली पंक्तियां, जिसपे शैलेश लोढ़ा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए हैं। मैंने सस्पेंस में कुछ कहने की कोशिश की है कि मिस कॉल और कॉल के लेके बहुत सारी आपने बातें सुनी, लेकिन अकबर ताज ने कुछ घुमाने की कोशिश की है। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा, देखें कि स्वागत है तुम्हारी भूल है के वो मुझे मिस कॉल करती है। अध्यक्ष महोदय साहब और हमारे अजय सिंह साहब की खास तवज्जो चाहूंगा, देखें तुम्हारी भूल, तुम्हारी भूल है के वो मुझे मिस कॉल करती है, मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। शानदार शानदार, बहुत अच्छा पढ़ा, नमन करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है, और हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झील मिलाएगी। कहा ताजा पंक्तियां, नई पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, देखें हमेशा रोशनी बनकर नजर हमेशा झील मिलाएगी, हमेशा रोशनी बनकर नजर में झील मिलाएगी, और मुझे वो ठोकरे खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं, मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बच्चे भी बहुत शानदार सुन रहे हैं, नमन करता हूं। और अभी जो हमारी एक कलकत्ता में बेटी के साथ, बहन के साथ जो गलत काम हुआ है, कुछ दरिंदों ने गलत काम किया है, मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, देखें पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा साहब, देखें जो अपनी मां बहन बेटी की इज्जत कर नहीं सकते, अंबर साहब सुनना, जो अपनी मां बहन बेटी की इज्जत कर नहीं सकते, उन्हें उन्हें इंसान क्यों कहते हो,
वो तो सब कसाई है। क्या बात है, बहुत बहुत रोया है भारत अपनी बेटी की तबाही पर। अरे चढ़ा दो उनको सूली पर के जो रावण के भाई है। बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चढ़ा दो उनको सूली पर के जो रावण के भाई है। और गाय माता के सम्मान में चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद महाराज ने कांग्रेस से फरमाया था, पूछा था, जब एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद महाराज से पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, तो स्वामी ने उस अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज, हमारे देश में भैंस का दूध अच्छा होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि अय अंग्रेज, तूने जानवर की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी। जी जी, बस आखिर में चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। गाय माता के सम्मान में आपकी तालियां चाहूंगा, मुझे विदा करना आपने, पंक्तियां देना चाहता हूं कि जवाब जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, जवाब जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है, जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, ऐसे ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। क्या कहा भाई, अकबर भाई को ले जाइए भैया, ए भैया अकबर भाई को ले जाइए, बहुत अच्छा अकबर भाई, बहुत सफल कारोबार, आइए जी जी। ये बाबू शिव कुमार सिंह है, ब्लॉक प्रमुख बाबू शिव कुमार सिंह। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आभार करता हूं सर का। बिलाद श्री शिव कुमार सिंह भैया की ओर से मुझे कुछ पैसा मिला है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं साहब, इनके सम्मान में एक मर्तबा ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी करता हूं। ये कह रहे हैं कि कब सम्मेलन में रिवाज नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार से दे दे तो एतराज नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, भाई अकबर ने बहुत बढ़िया पढ़ा और बड़े प्यार से, एक एक वो अकबर थे, एक ये अकबर हैं, और बहुत बढ़िया है, ये अपने हिंदुस्तान का अकबर है और वो बाहर का अकबर था। और मैं आप लोगों के बीच में बस बहुत समय न लेते हुए, समय बहुत कम है इसलिए बहुत फन दिखाने का समय नहीं है,